जहां तक वो माफ है तो बदमाश को
सीधे नियम खरीद रखे और ऐसे 24 कैरेट के गले रखे जो किसी के पास नहीं होते। कभी हमारी भाई 20-22 कैरेट दे 100% खरीद खालिस और ऐसी बुनियादों बनाएंगे जिसको कोई फिलहाल नहीं सकते। ये दलील हम रखते किसी के पास नहीं और ये दलील हम पे देगी हमारी हकानियत की दलील हजरत रसूलुल्लाह और मुतालबा कर सकते हैं कि तुम्हारे पास तो हम भी नहीं होंगे। हम अपने मजहब की हकानियत की दलील रखते हैं और 24 कैरेट वाली पक्की पक्की उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सिलसिले अंबिया की आखिरी नबी उनको मालूम है उनके बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं क्योंकि मैं हर लोगों से असली का मेरा दर्श है जब मेरे कुछ उसी को मान सोगी ताकि लड़की आपको हो सकता है आपको पसंद ना है मैं कहा करता हूँ आपने बहुत सी मेरी आने कहीं कभी कभी शादी कहीं भी खाली नहीं है। और ये भी फरमाया था जो गुज़िश्ता उम्मत में हो चुका हो मेरी उम्मत में हो चुका यहाँ तक है गुज़िश्ता उम्मत ने किसी जगह पर सुई की नोक रखी है छड़ी की नोक रखी है तो मेरी उम्मत भी वहां पर छड़ी की नोक रखेगी। तो जब रसूलुल्लाह को इन सारी चीजों का इल्म था और उनको मालूम था उनके बाद होने वाला है तो उन्होंने अपनी उम्मत के बाद हिदायत का क्या इंतजार किया? आया उम्मत को ऐसे ही छोड़ के चले गए ये सुबह कायमत तक इंतजाम करके गए जिस रसूल ने इतनी मेहनत की थी दीन को बचाने के लिए और उनको ये बात होता है जैसे गुज़िश्ता उम्मत में हो गया मेरी उम्मत में होगा यदि मेरी उम्मत में भी तहरीर होगी कि गुंडे जनाब जमाने में जनाब ईसा का दीन बदल गया था जनाब मूसा का दीन बदल गया था और जनाब ईसा और जनाब मूसा का दीन गैरों का नहीं बदल गया। ईसाइयत को ईसाइयों ने मुनहरिफ किया यहूदियत को यहूदियों ने मिटाया तो हर दिन को उसके मानने वालों ने बदला और क्या फरमाया था जो गुज़िश्ता उम्मत में हो चुका मेरी उम्मत में होगा यानी मेरा मजहब भी मेरी उम्मत वाले तहरीर करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता उम्मत में पैगंबर ने फर्क किया था बुनियादी फर्क यह था कि जनाब मूसा का दिन तहरीर हुआ तो जनाब ईसा आने वाले थे वो करेक्शन कर देंगे वो ठीक कर देंगे। जनाब ईसा का दिन तहरीर हुआ तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वो ठीक कर देंगे। लेकिन अब जब शरीयत खत्म हो गई वही खाना खत्म हो गया तो अब अगर दीन तहरीर अगर खुदा ने इस दीन को तहरीर से बचाने का इंतजाम नहीं किया
तक लोग गलत ही मांगी रहे हैं, तो खुदा को 23 साल के लिए भेजने की क्या जरूरत। लेकिन 23 साल के बाद दीन बर्बाद हो रहा है तो 23 साल मेहनत की क्या जरूरत। क्या कह रहे हम सुबह कयामत तक के नबी है, तो सुबह कयामत तक पानिया का ऐलान होता रहेगा। ऐसा मेयार जो पैगंबर की वफात से लेके आज तक और आज से लेके कयामत तक बाकी हो, कि हर दौर में हमारे मजहब की हकानियत की दलील बनता जाए। ये इंतजाम रसूलुल्लाह जनाब ज़हरा हमारे मजहब की हकानियत का वो मीनार है।
कि ये मीनार हमारे यहां किसी के पास नहीं। वाकई जरा में जरा हकानियत का मीनार दलील हकानियत मजहब अहले बैत। आप दर्शन हम जो कुछ ये काम कर रहे हैं तो ही जाड़े के बराबर था
मुझे नहीं मिलना, तू आपको मिलना तो मैं बूढ़ा हो गया, और मुझे ये नहीं मालूम कि सुबह तक जिंदा हो या जिंदा नहीं हो। और मेरे रसूल से हदीस सुनी कि जब मौत की बात होती है बगैर मर्जियात की मौत जाहिलियत की मौत है, तो मैं चाहता हूँ आयत करके सोऊं ताकि सुबह मरूं तो जाहिलियत की मौत। ये तारे में बनते हैं जाएंगे। अगर
जनाबे जाना की शहादत रसूलुल्लाह की जिंदगी के रोजा के बाद अगर मान हुई तो जो सुबह तक बैत का इंतजार नहीं कर सकते तो वफात रसूल के बाद जहरा ने इसको ईमान हुआ। लोगों ने
सिर्फ इनकार करके नहीं गई है, नाराज होकर गई है। है कोई आदमी जो हक से नाराज होने के बाद अंदर निकल आ जाए? जिससे ज्यादा खुश गई हम क्या, उसी से खुश है जो
जो अश्र ज्यादा होगा वही अशर वाला हो जाएगा।
Not going to